हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के सभी बड़ी मंडियों में सोयाबीन का भाव 29 फरवरी 2020 को क्या देखने को मिली है, वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आज है संडे और दोस्तों संडे की वजह से दोस्तों आज है मंडी बंद, और जो भी मंडियों की बारी आएगी दोस्तों वो कल की डेट में बता दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और दोस्तों नरमी का कारण क्या है मैं इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताने वाला हूं। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, क्यों कर नरमी आ रही है, सभी का कारण आपको वीडियो के लास्ट में मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चले जाते हैं क्या भाव रहे हैं मंडियों में। अरोन मंडी की बात करूँ दोस्तों तो 3200 से लेकर दोस्तों 4000 का भाव देखने को मिला है। आवक की दोस्तों बात करूँ तो आवक यहाँ पे 40 टन देखने को मिली है। नेक्स्ट में बात करें यहाँ पे तो बड़नगर मंडी में, तो बड़नगर मंडी में दोस्तों 2900 से लेकर 4020 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 230 टन देखने को मिली है। बदनावर मंडी की बात करूँ तो बदनावर मंडी में 3100 से लेकर दोस्तों 4080 रुपये का भाव देखने को मिला था। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 220 टन देखने को मिली है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे बिकनगांव मंडी में, तो बिकनगांव मंडी में 3000 से लेकर 3900 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 35 टन देखने को रही है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे छतरपुर मंडी में, छतरपुर मंडी में दोस्तों 2900 से लेकर 4180 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 70 टन देखने को रही है। वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट में बात करेंगे छिंदवाड़ा मंडी में, छिंदवाड़ा मंडी में दोस्तों 2800 से लेकर 4200 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 45 टन देखने को रही है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों आते हैं देवास मंडी में, देवास मंडी में 2800 से लेकर दोस्तों 4100 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 45 टन देखने को मिली है। वहीं पर नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों अशोकनगर मंडी में, तो अशोकनगर मंडी में दोस्तों 2900 से लेकर 4280 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 50 टन देखने को मिली है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे खरगोन मंडी में, तो खरगोन मंडी में 3300 से लेकर 4160 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 50 टन देखने को मिली है। ताल मंडी की बात करूँ तो ताल मंडी में 3300 से लेकर 4000 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 100 टन देखने को मिली है। नेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों दलौदा मंडी में, दलौदा मंडी की बात करूँ दोस्तों दलौदा मंडी में 3200 से लेकर 4000 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 80 टन देखने को रही है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मोरेना मंडी की बात करूँ दोस्तों तो मोरेना मंडी में 3400 से लेकर 4200 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 45 टन देखने को मिली है। वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट में आते हैं कनौद मंडी में, तो कनौद मंडी में दोस्तों 3100 से लेकर 4100 का भाव देखने को मिला है। दोस्तों आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 85 टन देखने को रही है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे धार मंडी में, धार मंडी में दोस्तों 2800 से लेकर 4000 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 40 टन देखने को मिली है। नेक्स्ट में दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे झाबुम मंडी में, तो दोस्तों झाबुम मंडी में 3300 से लेकर 4080 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 95 टन देखने को मिली है दोस्तों। वहीं पर नेक्स्ट में आते हैं पिपलिया मंडी में, पिपलिया मंडी में दोस्तों 2300 से लेकर 4010 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 45 टन देखने को रही है। वहीं पर दोस्तों बात करें यहाँ पे हरसुद मंडी में, दोस्तों हरसुद मंडी में 3300 से लेकर 4100 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 80 टन देखने को रही है। नेक्स्ट में दोस्तों बात करेंगे खंडवा मंडी में, दोस्तों खंडवा मंडी में 3400 से लेकर 4130 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 50 टन देखने को रही है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे सनवाद मंडी में, सनवाद मंडी में 2800 से लेकर दोस्तों 4200 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 120 टन देखने को रही है। वहीं पर दोस्तों आते हैं नेक्स्ट में सानवेर मंडी में, तो 3000 से लेकर 4120 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 80 टन देखने को मिली है। नेक्स्ट में दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे गुना मंडी में, तो गुना मंडी में 2700 से लेकर 4200 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 60 टन देखने को मिली है। वहीं पर दोस्तों आते हैं सोनकच मंडी में, सोनकच मंडी में दोस्तों 3200 से लेकर 4050 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 80 टन देखने को रही है। नेक्स्ट में दोस्तों बात करेंगे ईसागढ़ मंडी में, तो 2400 से लेकर 4000 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 40 टन देखने को मिली है। वहीं पर दोस्तों आते हैं नेक्स्ट में चंदेरी मंडी में, तो चंदेरी मंडी में 3200 से लेकर दोस्तों 4100 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे 40 टन देखने को रही है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे भोपाल मंडी में, तो भोपाल मंडी में 3200 से लेकर 4190 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 50 टन देखने को रही है। वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट में आते हैं दामो मंडी में, दामो मंडी में 3200 से लेकर दोस्तों 4120 रुपये का भाव देखने को मिला है।
आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पर 50 टन देखने को रही है। वहीं पर दोस्तों आते हैं नेक्स्ट में उज्जैन मंडी में, तो उज्जैन मंडी में 2900 से लेकर दोस्तों 4200 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पर 45 टन देखने को मिली है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। और दोस्तों अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और दोस्तों जो भी अपडेट आती है सबसे पहले वहाँ पर बता दी जाती है। और दोस्तों नरमी का कारण यही है कि दोस्तों आप लोग मंडियों में ज़्यादा से ज़्यादा आवक आ रही है। और दोस्तों दूसरी कारण यही है कि दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से भी दोस्तों मंडियों से जो इंडिया से देश का माल सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे भी नरमी का कारण बन सकता है दोस्तों। और यह भी कारण दोस्तों भी बनेगा आने वाले समय में दोस्तों, जैसे कि मार्च अप्रैल में भी दोस्तों 6000 तक 5000 से 6000 रुपये जाने का संभावना नहीं है, लेकिन 5000 तक जाने की पूरी तरफ संभावना है। तो चलो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।